मेरी कविता का शीर्षक है पहाड़ और औरत। चूल्हे की तपन में रिश्तों का ताना बाना ढूंढती, घुप अंधेरा खेत खलियान, आसमान की चादर ओढ़े देवड़ी लांग, टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर, चूल्हे से घासनी का सफर तय करती, बिना धूप छांव की फिक्र के, बिना धूप छांव की फिक्र के। नहीं जानती पहाड़ के उस पार का जीवन, नहीं जानती पहाड़ के उस पार का जीवन, जानती है बस इतना कि उसकी गाय उसकी बाट जो रही है। मन में उठता द्वंद गहराई में उतर रहा है, भीतर बहुत भीतर वजूद की तलाश में, बतियाती है वो रोज कुत्ते बिल्ली और खूंटे से बंधी गाय से, जकड़ी है वो भी खूंटे सी समाज के बंधनों में। चूल्हे चौके से चार दिन की छुट्टी ले जाती है उसे पहाड़ के और गली। इस दौरान दोनों खूब बतियाते हैं, इस दौरान दोनों खूब बतियाते हैं, गंगी नैनी जूरी लामण खूब गाते हैं। सब देखा है पहाड़ ने, सब देखा है पहाड़ ने, वो बचपन की चिड़िया वो सतरंगी सपने बुनते बुनते, पीठ पर पिल्टा लिए पहाड़ को लांघना, उससे भी परे सखी किंकरी देवी का बेखौफ उसे बचाने के लिए खनन माफिया से भिड़ जाना। सुरमी नरजी सती चैंकी ना जाने कितनी ही औरतों के सपनों को जलते देखा है पहाड़ में मौन रहकर। सुनी है उसने अभी अभी खूनी पंजों में जकड़ी मासूम गुड़िया की पुकार, साथ ही गूंज रही है चीखे मानवीय वेदनाओं की जो चढ़ रही है भेंट अक्सर विकास के नाम पर। सुर्खियां बटोर रहे हैं खूनी पंजे, सुर्खियां बटोर रहे हैं खूनी पंजे, रूह छलनी और लहू लुहान तन से और मन से भी, दर्द एक सा सदियों से, दर्द एक सा सदियों से और एक सा ही रहेगा सदियों तक, मगर है प्रश्न बाकी, मगर है प्रश्न बाकी कि क्या पहाड़ और औरत के वजूद का मौन है हल, कि क्या पहाड़ और औरत के वजूद का मौन है हल। धन्यवाद।